प्रदेश में बैठी शिवराज सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे क्यों न कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत में शासन की पोल खुल ही जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह जिले के टेमीगढ़ विकासखंड के महनवा खुर्द स्कूल की हैं, जहां शासन ने बिल्डिंग और शिक्षकों की सुविधाएं मुहैया कराए बिना ही इसे हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कर दिया। उन्नयन होने के बाद ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इसी शाला में एडमिशन लेना पड़ा। 6-9 में 50 बच्चे तो वहीं 6-8 में 94 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनके भविष्य पर अब तलवार लटक रही है। क्या समस्या है आपकी? बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ बेहतर शिक्षा उपलब्ध होने के कारण छोटी यहाँ के जो पूर्व में माध्यमिक शाला को खोजते थे वो इसकी दोस्त आज दिनांक मैंने प्रभारी के उससे हाई स्कूल प्रभारी के लेटर बैठ कर लिख के दिया था, जो मैंने DO ऑफिस में भेजा है पत्र, पत्र के माध्यम से मैंने मांग की कि यहाँ पूरी पोस्टें खुलवाई जाए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो और यहाँ दर्ज संख्या करीब 50 है हमारे 9th में और 94 बच्चा है 6-8 में, तो हमें तो नहीं लगता कि हम बेहतर से बेहतर उनको शिक्षा दे पा रहे हैं। देखिए, महंगवा खुर्द जो माध्यमिक विद्यालय था उसका मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हाई स्कूल में उन्नयन हो गया है, लेकिन अभी वहाँ जो पोस्टें हैं वह माध्यमिक विद्यालय की ही शो हो रही हैं 3 विषय, जिसके कारण वहाँ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्योंकि हाई स्कूल में 6 पोस्टें होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। चूँकि वहाँ अभी पोस्टें शासन स्तर से तो हो नहीं रही, वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वहाँ विज्ञान विषय, हिंदी और संस्कृत के अति शिक्षक हैं जो वहाँ नहीं रखी जा सकती हैं, इसके कारण बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित हो रही है। मेरे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है कि शीघ्र ही वहाँ इन विषय की जो पोस्ट है उनको सूचित कराने की कृपा की जाए, ताकि जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। और अभी 12 तारीख से हमारी परीक्षा भी प्रारंभ हो रही है।